संकल्प ले लेते समय आचार्य श्री ने विनोद में कहा कि इन उपवासों से तुम्हारी आत्मिक स्थिति उन्नत होगी, ऐसा मत समझना। उपवास सिर्फ उन विक्षेप को दूर करने के लिए है जो अपव्यय के प्रमाद के कारण चढ़ गया था। ग्वालियर यज्ञ में भी एक बार इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन वहाँ ज्यादा डांट डपट की नौबत नहीं आई थी। कार्यकर्ताओं ने तुरंत अपनी त्रुटि स्वीकार ली थी और उसके परिमार्जन का उपाय भी पूछ लिया था। आचार्य श्री ने कहा था कि इष्टापूर्ति इस विधान के अनुसार क्षति की पूर्ति कर ली जाए तो प्रायश्चित हो जाता है। उस आयोजन में ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया भी आई थीं। अन्य संकट और दूसरी राष्ट्रीय समस्याओं पर दोनों में देर तक विचार विमर्श हुआ था। राजमाता ने अनुरोध किया था कि इन समस्याओं के संबंध में आचार्य श्री सामूहिक उद्बोधन के समय भी कुछ कहें, त्राहि त्राहि कर रहे लोगों को ढाढ़स मिलेगा। आचार्य श्री ने कहा कि इस संबंध में वे अपनी कलम से भी लोगों को आश्वस्त करते रहे हैं। जब जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार नागरिकों और साधकों से संवाद रखते हैं। राजमाता ने सुझाव देने से पहले स्वयं उस संकट के बारे में पूछा था। उनकी मूल चिंता भुखमरी, सूखा, अकाल जैसी प्राकृतिक विपदा थी और राजनैतिक अस्थिरता भी। आचार्य श्री ने कहा था कि शासकों की इच्छा शक्ति और रचनात्मक प्रयासों से इन समस्याओं के समाधान होंगे। विदेशी सहायता, उपवास और धीरज उस समस्या को सहने के उपाय हैं। समाधान अधिक अन्न उपजाने और समृद्धि बढ़ाने से होगा। सरकारी स्तर पर इन दिनों कुछ पहल हुई है, वह पहल लोगों के कर्म से ही परिणाम तक पहुंचेगी। राजमाता ने कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहल अपने परिणाम तक पहुंच ही ना पाए। वर्तमान शासकों में तो वैसी इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती। राजमाता अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि आचार्य श्री ने बीच में ही टोका, परिणाम किसी के किए या चाहने से नहीं आएंगे। परिवर्तन महाकाल की इच्छा है, वह तो होगा ही, कोई चाहे या नहीं चाहे। भारत को भविष्य का मार्गदर्शन करना है, इसके लिए यहाँ शक्ति भी आएगी और समृद्धि भी। राजमाता उस कार्यक्रम में 8-9 वर्ष की एक कन्या को लेकर आई थीं। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रही वह लड़की गीता, रामायण और आध्यात्मिक विषयों पर धारा प्रवाह प्रवचन देती थी। लोग उसे सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। पूर्व जन्म के संस्कार। राजमाता सिंधिया ने उस कन्या की सहायता की थी। आशा व्यक्त की थी कि भविष्य में यह लड़की भगिनी निवेदिता और एनी बीसेंट की तरह भारतीय धर्म संस्कृति का संदेश दुनिया भर में पहुंचा सकती है। आचार्य श्री राजमाता की आशा और उत्साह को ध्यान से सुन रहे थे। वे कहे चली जा रही थीं। उस कन्या की पारिवारिक पृष्ठभूमि, बाल सुलभ स्वभाव, खेलने कूदने, ध्यान में डूब जाने और अपने इष्ट का जोर जोर से स्मरण, यह सब मुग्ध भाव से बताते हुए राजमाता ने 2-3 बार आचार्य श्री की प्रतिक्रिया पूछी। उन्होंने यकायक कुछ नहीं कहा। राजमाता ने बार बार अनुरोध किया तो कहा कि इस तरह की प्रतिभाएं पूर्व जन्मों के संस्कार से ही जागती हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि वे आगे भी स्थिर रहें। इन प्रतिभाओं को बनाए रखने के लिए निरंतर साधना जरूरी है। साधना नहीं की गई तो प्रतिभा स्खलित भी हो सकती है। साधक की मेधा कला, साहित्य, राजनीति आदि किसी भी दिशा में जा सकती है। आचार्य श्री के इस उत्तर को राजमाता ने ध्यान से सुना। कहा भी कि वे इस लड़की के आत्मिक विकास या पिछले जन्मों के संस्कारों को अक्षुण्य रखने की व्यवस्था करेंगी। उन्हें लग रहा था कि कन्या पिछले जन्म में उनकी पुत्री रही थी। आचार्य श्री ने उन्हें आश्वस्त किया था कि इस तरह के संस्कार किसी पुण्य का उदय होने पर ही जागते हैं। इसका अर्थ है कि साधक ने पिछले जीवन में भारी तप किया है, वह उस तप को आगे बढ़ाएं तो इस जीवन में और विकास कर सकता है। आचार्य श्री ने कहा कि अच्छा किया कि इस कन्या को आपने पहचान लिया और आश्रय दे दिया। बहुत सी प्रतिभाएं तो अंधेरे में ही खोई रह जाती हैं। युग निर्माण विद्यालय व्यवस्थित ढंग से चलने लगा था। 30 से 40 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता। उनमें कुछ नटखट स्वभाव के भी होते,
कुछ बच्चों की शरारत से खिन्न होकर एक दिन किसी कार्यकर्ता ने कहा कि लगता है माता पिता से संभलते नहीं हैं, इसलिए वे कुछ महीनों तक छुटकारा पाने के लिए बच्चों को यहाँ भेज देते हैं। आचार्य श्री तक यह टिप्पणी पहुँची। उन्होंने कार्यकर्ता को बुलाया और उसे डपटा कि बच्चे नहीं तो क्या बूढ़े शरारती और नटखट होंगे। भगवान भी बचपन से नटखटपन करते हुए ही अच्छे लगते हैं। हमने यह विद्यालय ऊर्जावान बच्चों को दिशा देने के लिए शुरू किया है। विद्यालय के पाठ्यक्रम को आचार्य श्री ने संजीवनी विद्या कहा था। संजीवनी विद्या अर्थात जीवन जीने की कला। व्यक्तित्व के विकास और जीवन समाज में आने वाली समस्याओं के समाधान सिखाने वाले सानिध्य के साथ छात्रों को आर्थिक स्वावलंबन की राह भी दिखाई जा रही थी। आर्थिक स्वावलंबन के लिए प्रेस व्यवसाय, बिजली, विज्ञान के आवश्यक विषय, रेडियो, ट्रांजिस्टरों की मरम्मत, उन्हें बनाना, घड़ी साजी, साबुन बनाना, मोजे, स्वेटर, बनियान आदि की मशीनों से बुनाई, प्लास्टिक के फाउंटेन पेन, पेंसिलें, बटन आदि बनाने के ढेरों काम स्वावलंबन पाठ्यक्रम में शामिल किए थे। आचार्य श्री की दृष्टि थी कि सन 1971 तक युग निर्माण विद्यालय में कम से कम 200 युवक प्रशिक्षित हो जाएं। इस संख्या को वे अपने सामने अपने हाथों से लगाई पौध के रूप में देख रहे थे। इस शिक्षा पर आचार्य श्री ने बहुत जोर दिया था। उनका कहना था कि युवकों या किशोरों को अपनी पढ़ाई रोकना पड़े तो एक वर्ष के लिए स्थगित कर दें, यह मान लें कि एक बार फेल हो गए हैं, उस कारण साल भर की पढ़ाई हर्ज हो गई है। एक साल खराब होता दिखाई दे तो होने दें, लेकिन युग निर्माण विद्यालय में कम से कम एक वर्ष जरूर बिताएं। युग निर्माण विद्यालय में किशोरों और युवकों को आमंत्रित करते हुए भी आचार्य श्री अपने शेष कार्यकाल की बात याद दिलाते थे। उनके उद्बोधनों में बाकी दिनों के कार्यक्रम और आगे की तैयारियों का उल्लेख अवश्य होता था। अज्ञातवास के दिन जैसे जैसे करीब आते जा रहे थे, कार्यकर्ताओं और परिवार के लोगों में वैसे वैसे बेचैनी बढ़ रही थी। माताजी के मन में भी विचार आता था कि आचार्य श्री के बाद क्या होगा। पल भर के लिए यह विचार आता और फिर तिरोहित हो जाता। मन में उदित हो रही आस्था उन चिंताओं को काट फेंक देती थी जो अपने गायत्री, परिवार के बच्चों के और तपोभूमि के बारे में उठती थी। आचार्य श्री के अपने लौकिक परिवार में अभी बहुत सी जिम्मेदारियां बाकी थीं। ताई जी उनके बारे में अक्सर कहती रहती थीं, सतीश, मृत्युंजय शर्मा के कामकाज की अभी कुछ व्यवस्था नहीं बनी थी। बचपन में हुई दुर्घटना के बाद उनके हाथ की अंगुलियां गलत जुड़ गई थीं। हाथ किसी तरह काम चलाऊ स्थिति में आया था। शैलबाला ने इंटर की पढ़ाई शुरू की थी, उस समय उनकी आयु 15 वर्ष रही होगी। ताई जी अक्सर चर्चा छेड़ देती, घर के लोग भी, खासकर सगे संबंधी उनके पारिवारिक दायित्व की याद दिलाते। कहते इन दोनों बच्चों को व्यवस्थित जमा जाओ, फिर आराम से अपने गुरु के पास चले जाना। आचार्य श्री इन सलाहों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, कभी कभार हंसकर रह जाते। माताजी ने एक हाथ बार चर्चा छेड़ी तो आचार्य श्री ने सिर्फ इतना ही कहा कि हम अपने मार्गदर्शक सत्ता पर निर्भर हैं, बच्चों के बारे में कभी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं समझी, जो करना होगा वही करेंगे और हमें यदि कुछ करना है तो उनका निर्देश मिलने से पहले कुछ नहीं सोचना चाहिए। माताजी ने इसके बाद कभी कुछ नहीं कहा। 1967 में सतीश, मृत्युंजय का विवाह हो गया। वह जन जागरण प्रेस में काम करने लगे थे। शैलबाला उस साल इंटर में पढ़ रही थी। वह शुरू से ही धीर गंभीर स्वभाव की थी। पढ़ाई के साथ माताजी के कामों में हाथ बटाती थी। अखंड ज्योति संस्थान आने वाले साधकों का ध्यान रखना भी उनकी जिम्मेदारी में शामिल था। आचार्य श्री के हिमालय पर चले जाने की तिथियां निकट आने तक मथुरा आने वाले साधकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। सभी लोग अखंड ज्योति संस्थान भी आते। कभी कभार तो इतने ज्यादा लोग आ जाते कि पढ़ाई के लिए ना तो समय मिलता और ना ही जगह। उस हालत में दोनों भाई बहन छत पर जाकर पढ़ते। ताई जी का निर्देश। 11वीं की पढ़ाई शुरू करते ही प्रिंसिपल ने पूछा कि NCC में भर्ती होगी क्या। पिछले 5 सालों में देश ने 2 युद्ध देखे थे। युद्ध के बादलों का प्रभाव था कि सैनिक अनुशासन सिखाने वाले इस सुरक्षा बल के प्रति
छात्रों में आकर्षण था। शैलबाला ने तुरंत हाँ कर दिया। घर आकर माता जी और आचार्य श्री को एनसीसी के बारे में बताया। आचार्य श्री ने कहा, अच्छा किया, देश प्रेम, देश के लिए मर मिटने का जज्बा बचपन से ही होना चाहिए। ऐसा हौसला रखना कि जरूरत पड़े तो सीमा पर जाकर लड़ सको, देश की सुरक्षा के लिए मर सको, ऐसी ट्रेनिंग करना। माता पिता से प्रोत्साहन पाकर शैलबाला ने तन्मयता से अभ्यास किया। उस अभ्यास के चलते एनसीसी में आगे बढ़ती गई। इंटर की शिक्षा पूरी करने तक वायरलेस का उपयोग, निशाना साधना, घुड़सवारी से लेकर एनसीसी के कुछ कैंपों में सीनियर कैप्टन बनने का मौका मिला। यह सब बात की बातें हैं जब तक माताजी व आचार्य श्री ने एनसीसी में जाने की बात कर रही थीं, तो ताई जी के कान पर भी गई। ताई जी ने अपने बेटे से पूछा कि लड़की को कहाँ भेजेगा। आचार्य श्री ने कहा, कहीं नहीं ताई, वो फौजियों की प्रैक्टिस करेगी। ताई जी ने कहा, फौजी बनाकर क्या करना है, उसकी ब्याह शादी की फिक्र कर, 3-4 साल बाद तो चला जाएगा, उसका घर बसाने की कौन सोचेगा। कहते कहते ताई जी का कंठ रुंध आया। फिर उन्होंने बातचीत का रुख बदला। कहने लगी, क्यों रे, तूने तो मुझे वचन दिया था कि मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, हिमालय जाने की बात क्या सुनती हूँ। आचार्य श्री ने कहा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ, तुम द्वारकाधीश के पास चली जाओगी तभी तो जाऊँगा, उसमें अभी समय है। ताई जी ने कहा, मेरा मन शैलों की डोली चढ़ते देखने का है, उसके बाद ही मेरी अर्थी जाए, उसका इंतज़ाम कर। आचार्य श्री ने कहा, ताई, यह तो वायदा नहीं हुआ था, हम लोगों में सिर्फ यही करार था कि तुम्हारे रहते तक मथुरा में ही ठिकाना रखूँगा, अपना ठौर नहीं बदलूँगा, सो उतना करार ही निभाऊँगा। शैलों के बारे में तुम्हारी इच्छा है, इतना ही कह सकता हूँ कि तुम अपने होने वाले जमाई को देख लोगी। आचार्य श्री ने उन दिनों नए सिरे से पढ़ाई शुरू की थी। उन्होंने घोषणा की थी कि अखंड ज्योति के पन्नों पर तर्क, तथ्य, प्रमाण और वैज्ञानिक आधार पर धर्म, अध्यात्म के सिद्धांत प्रतिपादित किए जाएंगे। यह तर्क का युग है, श्रद्धा विश्वास के आधार पर लोगों को कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। उनके बुद्धि विवेक को जब तक कोई बात गले नहीं उतरती तब तक वे संदेह और अविश्वास की दृष्टि से ही देखेंगे। नए सिरे से प्रतिपादन के लिए उन्होंने भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन और अर्थशास्त्र आदि विषयों में जानकारों का सहयोग मांगा। सन 1968 में चैत्र नवरात्रि के आसपास उन्होंने एक साधना शिविर में विद्वानों और मनीषियों से खुलकर सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि हिमालय जाने से पहले हम एक पढ़ाई और करेंगे। इस विद्याध्ययन में विद्वानों, प्रोफेसरों और प्रतिभाशाली छात्रों का सहयोग मिलना चाहिए। अभी तक धर्म, आध्यात्म और श्रद्धा भावना और विश्वास का विषय समझा जाता है, लेकिन यह स्थिति देर तक नहीं रहेगी। धर्म को तर्क और तथ्य की कसौटी पर खरा सिद्ध किया जा सकेगा तभी इसका अस्तित्व बचेगा, अन्यथा यह अंधविश्वासों का जाल जंजाल बनकर रह जाएगा। विज्ञान की समस्त शाखाओं का अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमारी मार्गदर्शक सत्ता ने हमें इसके लिए निर्देश दिए हैं। अब वह स्थिति नहीं है कि कॉलेज में जाकर या लाइब्रेरियों की अलमारियां छानकर अध्ययन करें। अपने परिजनों से ही अपेक्षा करते हैं कि वे अपने अध्ययन अनुभवों का लाभ हमें दें। इस काम में ग्रेजुएट स्तर के परिजनों की सहायता अभीष्ट है, जिनके पास 1-2 घंटा रोज का अवकाश है और उस समय को हमारी सहायता में लगाना चाहें, वे अपना नाम नोट करा दें और अपनी शिक्षा का ब्यौरा भी जमा करवा दें ताकि उस स्तर पर काम किया जा सके। वहाँ आए परिजनों में से कुछ जनों ने हाथ उठाए। एक बार फिर पढ़ाई। आचार्य श्री ने कहा कि इतने लोगों से बात नहीं बनेगी, औरों का सहयोग भी चाहिए। फिलहाल 2 प्रकार के काम इन सहयोगियों से कराने होंगे। एक तो यह कि उनकी शिक्षा में जो काम हमारे मतलब का होगा उसे सारांश में लिख भेजें, और दूसरे उन्हें कुछ ग्रंथ पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, उसमें कुछ प्रसंग चुनने के लिए कहा जाएगा। यह एक रिपोर्ट होगी। इस आशय की अपील अखंड ज्योति में छपी थी। 1.5-2 महीने में लगभग 200 से ज़्यादा अध्येताओं के नाम आ गए थे।